अच्छा, आप देखें जिस तरीके से हमने दो पैरालेल वेक्टर्स को देखा कि भाई किस तरीके से थे, इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरालेल हैं। तो बात याद रखें, सपोज करें अगर वेक्टर ए जो है वो 2i-3j-k है, और इसी तरीके से वेक्टर बी जो है वो 10i-10i+15j और +5k है। देखें अगर हम किसी भी वेक्टर में से कुछ कामन लें और उस वेक्टर में से कुछ कामन लेने के बाद अगर हमारा वेक्टर नेगेटिव के साथ रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं। मसलन अगर हम यहाँ से जो हैं कामन ले रहे हैं, सपोज करें 5 कामन ले रहे हैं, तो यहाँ से -2i आएगा और यहाँ से +3j आएगा और यहाँ से +k आएगा। अब देखें कुछ कामन लेने के बाद हमारा वेक्टर रिपीट तो हुआ है पर वेक्टर अल्टरनेटिव साइन के साथ रिपीट हुआ है, मतलब इसमें जहाँ पे प्लस की साइन है यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन है। यानी आफ्टर टेकिंग कॉमन इफ वेक्टर रिपीट विथ अल्टरनेटिव साइन देन वी से दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होगी वो हम कहेंगे 180 डिग्री होगी। तो इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि भाई ये वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। और अब लास्ट में ये डेफिनेशन भी नोट कर लें, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखें नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई वेक्टर ए जो है इसका नेगेटिव जो है वो वेक्टर बी है। इफ वी से वेक्टर ए इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी तो क्या होना चाहिए, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ए जितना होना चाहिए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। मसलन अगर वेक्टर ए 5 यूनिट है या 5 मीटर है टूवर्ड्स ईस्ट और वेक्टर बी है 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो हम कहेंगे ये दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दी वेक्टर ए इज सेट टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। या एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए की क्या होती है, ये इनिशियल पॉइंट या इसको हम टेल भी कहते हैं और ये टर्मिनल पॉइंट होती है इसको हम हेड भी कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए का जो इनिशियल पॉइंट है वो वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है और जो वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। अगर ऐसे भी कंडीशंस हैं तो हम कह सकते हैं भाई ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के जो हैं वो नेगेटिव हैं। सपोज अगर वेक्टर पी क्यू है और वेक्टर पी क्यू और क्यू पी, क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखें ये जो वेक्टर पी क्यू है इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, इसकी इनिशियल पॉइंट जो है इसकी इनिशियल पॉइंट पी है और इसकी टर्मिनल पॉइंट क्यू है, और इस वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है वो क्यू है और इस वेक्टर की जो टर्मिनल पॉइंट है वो पी है। तो देखें ऊपर वाले वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है वो नीचे वाले वेक्टर की टर्मिनल पॉइंट है और जो नीचे वाले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट है वो ऊपर वाले वेक्टर की टर्मिनल पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू पी ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं और नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होती है, द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री। और अब हम ये भी कह सकते हैं
हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी वेक्टर में उस वेक्टर का नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज ज़ीरो। यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो मिलेगा। सपोज़ वेक्टर ए है, उसमें हम माइनस ऐड कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। मैंने आपको बताया था वेक्टर में जब भी नेगेटिव की साइन आ जाती है तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो ये एक वेक्टर था, हमने उसमें नेगेटिव वेक्टर ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो मिल गया। लास्ट में एक पॉइंट नोट करें, सपोज़ मैं आपको कोई वेक्टर दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इस वेक्टर का नेगेटिव निकालो। कैसे निकालोगे? तो जब आप किसी भी वेक्टर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस वेक्टर का नेगेटिव बन जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ माइनस वन। तो जब हम किसी भी वेक्टर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें उस वेक्टर का नेगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में यही है, आप इनको अच्छे तरीके से नोट करें तो फिर हम इस पर कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। द कोइनिशियल वेक्टर ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोइनिशियल वेक्टर क्या है? तो आपको पता है एक्स वाई का कोइनिशियल वेक्टर वो हो सकता है जिसकी इनिशियल पॉइंट x होनी चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट x किस में है? इसमें देखें x जो है वो टर्मिनल पॉइंट है तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये देखें, इसमें इनिशियल पॉइंट जो है वो x है तो इसलिए हम कहेंगे एक्स वाई का कोइनिशियल वेक्टर जो है वो एक्स आर है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस इज। तो आप देखें अगर B में से आप कुछ कामन ले रहे हैं, B में से क्या कामन है? तो इसमें से अगर हम 3 को कामन लें तो हमारा वेक्टर क्या रिपीट होगा? ये 2i हो जाएगा, ये 3j हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा। यानी B से कुछ कामन लेने के बाद ये वेक्टर हमारा A बन गया। जैसे मैंने थ्योरी में बताया है कि हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री की है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 10 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स एंड देयर रिजल्टेंट इज टू यूनिट द एंगल बिटवीन। तो आप देखें कि हमने जो रिजल्टेंट निकाला है वो रिजल्टेंट हमने ऐसे निकाला है कि एक वेक्टर से हम दूसरा वेक्टर माइनस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है जब हम रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यानी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे तो हम टेक्निकली कहेंगे कि भाई इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री की है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएं। अब देखें वेक्टर ए जो है वो 2i प्लस aj प्लस 3k है और वेक्टर बी जो है 10i है, 15j है और bk है। अगर हम देखें तो यहाँ अच्छा आप तो देखें, अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें जो है ना वो 5 कामन है, 2 से और 10 से देखें तो 5 कामन है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से 5 कामन लेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और यहाँ पे a है। हालांकि यहाँ पे अगर 3 बन रहा है तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे b है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो 15 होना चाहिए ताकि अगर हम उसमें से 5 कामन लें तो बाकी जो है वो 3 बचे। तो इसका मतलब है b का वैल्यू जो है यहाँ पे 15 होना चाहिए। अब अगर आप वैल्यू रख के देखेंगे a इज इक्वल टू 2i, b की जगह 3j 3k और यहाँ पे अगर आप रखेंगे 10i 15j प्लस
15k, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2i 3j + 3k, तो इसका मतलब होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है ज़ीरो होगी, और हम ये कहेंगे कि भाई a का वैल्यू 3 होना चाहिए और b का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड 15। इसका मतलब है सबसे पहले हम मैक्सिमम देखेंगे, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हमारा 25 हो सकता है जो a प्लस बी से मिलेगा, और मिनिमम रिजल्टेंट हमारा 5 हो सकता है। मिनिमम 5 होगा, मैक्सिमम 25, इनके बीच वाले जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो हमारा रिजल्टेंट हो सकते हैं। अब देखें 18, तो 18 हो सकता है क्योंकि 18 5 और 25 के बीच में आएगा, 25 खुद है तो हो सकता है, 30 तो 30 नहीं हो सकता क्योंकि 30 इससे बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब है 30 इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 8। कौन से ऐसे फोर्स हैं जो आपको रिजल्टेंट 8 दे सकते हैं, अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 देंगे और कम से कम 1 देंगे, तो इसका मतलब है सॉरी कम से कम आपको 3 देंगे, तो आपको रिजल्टेंट चाहिए 8, 7 से बड़ा है तो ये आपको पेयर कभी भी नहीं दे सकता। इसके बाद इसको देखें तो मैक्सिमम कितना है, 18 मैक्सिमम 22 और मिनिमम 18, आपको रिजल्टेंट चाहिए 8 भी इनके बीच में नहीं आता है। अब आप अगर इसको देखें तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 9 और मिनिमम कितना होगा 3, तो जो 8 है वो 9 और 3 के बीच में आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पेयर आपको रिजल्टेंट दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ एक्स वाई। देखें मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वेक्टर जो होगा इसका उसका क्या होगा, जो इसकी इनिशियल पॉइंट है वो टर्मिनल हो जाएगी और जो टर्मिनल पॉइंट है वो इनिशियल हो जाएगी, यानी एक्स वाई का जो नेगेटिव होगा वो वाई एक्स होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 10 एंड 15 एंड देयर रिजल्टेंट इज 25, और इनका रिजल्टेंट 25 है तो इनके बीच में एंगल क्या है, तो आप देख रहे हैं कि हम इनका रिजल्टेंट ऐसे निकाल रहे हैं 10 + 15 = 25, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। नंबर 1 यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम कहते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लॉजिकल हो जाएं, हम लॉजिकली ऐसे डेफिनेशन बताते हैं, हम कहते हैं ऐसा वेक्टर जो हमें मिले जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं अ वेक्टर विच इज ऑब्टेंड by dividing a vector with its own magnitude। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। मतलब कहने का ये है कि सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है a, और हम इस वेक्टर को a के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एक वेक्टर बनेगा इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो a हमारा जो है वो यूनिट वेक्टर है, किसका यूनिट वेक्टर है, a का, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से शो किया जाता है। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे i, j एंड k, ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये जो आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आई जो यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और जो जे यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और जो के यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है। यूनिट वेक्टर के लिए एक पॉइंट नोट कर दें, आप थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे देखें,
तो सपोज करें कि भाई ये हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो इस वेक्टर के पास बाकी क्या बचा, डायरेक्शन बचा। तो यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन क्या है, तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। सो इट मीन्स यूनिट वेक्टर, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सपोज अगर मैं कहता हूं कि भाई P जो है यूनिट वेक्टर है Q का, अगर P यूनिट वेक्टर है Q का तो इसका मतलब है P डायरेक्शन बताएगा Q का, यानी P और Q का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और फिजिक्स में हम आई जे के को यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट भी थोड़ी सी नोट कर लें भाई, आई जे के जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, पर इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर मैं पूछूं आपसे भाई आई और जे के बीच में एंगल क्या है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। मैं अगर आपसे पूछूं जे और के बीच में एंगल क्या है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरीके से अब एक पॉइंट और हम नोट करेंगे। देखें जब कोई भी हम वेक्टर लिखते हैं, सपोज करें हम वेक्टर ए लिखना चाहते हैं, तो कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, देखें अगर हम वेक्टर ए लिखना चाहते हैं तो वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं, ये भाई मैग्नीट्यूड हो गया, और उसी के साथ हम लगाते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा। तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये होगा कि भाई हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये बताएगा मैग्नीट्यूड और ये हमें बताएगा ठीक है डायरेक्शन। सपोज करें मैं आपको कहता हूं कि भाई ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए, और मैग्नीट्यूड मैंने बताया है भाई इसका 4 है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, आई आएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूं भाई एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और ये जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो आप इसको लिखेंगे 20j। इसी तरीके से हम इसको जो है वो यानी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर के मुतालिक है, इस तरीके से आप इसको जो है वो नोट करें, तो फिर हम इस पे एमसीक्यूज भी करते हैं। अच्छा अब हम इस पे यूनिट वेक्टर पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ये एमसीक्यूज कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल की टेस्ट में भी आए हैं, कुछ इंजीनियरिंग की टेस्ट में भी आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर, यानी इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखें वेक्टर हमारे पास क्या है, तो हम ऊपर वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस k, नीचे मैग्नीट्यूड। तो पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा था, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 1, 9 होगा, 9 का रूट क्या आएगा 3। तो अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये 3 जो है वो सबसे डिवाइड हो सकता है, हर एक से डिवाइड हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सबसे डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपान 3j और 1 अपान 3k। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड।
तो हमने वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला जो 3 था, और फिर हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें, ये मेरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। अ वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट, देन इट्स यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा ये ए है और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ए अपान 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखें, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात होगी तो हमें सिर्फ वो वेक्टर देखना है जिसमें अकेला आई लगा हो, यानी जिस वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आई होगा वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। पर अगर हमें कह रहा है नहीं वाई एक्सिस के साथ पैरेलल चाहिए, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जे हो। इसी तरीके से जेड एक्सिस में कहे पैरेलल तो सिर्फ और सिर्फ के हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और वो पैरेलल किसके साथ हो, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम देखेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आई जो है अकेला वो इस ऑप्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो 10 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी द वेक्टर ए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बिकम्स नॉर्मल टू वाई एक्सिस। अब देखें, जब नॉर्मल की बात होगी ना, जब आपको बोला जाएगा कि भाई नॉर्मल टू वाई एक्सिस हो, तो नॉर्मल टू वाई एक्सिस में आप पॉइंट नोट करें, अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस कह रहा है तो उसमें वाई यानी जे नहीं होना चाहिए, बाकी उसमें भले आई होना चाहिए, भले उसमें के होना चाहिए, पर उसमें जे नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस कहेगा, अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस है, नॉर्मल टू वाई एक्सिस मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम जे, वो जे से फ्री होना चाहिए। अगर नॉर्मल टू एक्स एक्सिस हो तो फ्री फ्रॉम आई, अगर नॉर्मल टू जेड एक्सिस हो तो फ्री फ्रॉम के। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नॉर्मल टू वाई एक्सिस हो, यानी हमें वो वेक्टर देखना है जिसमें जे इन्वॉल्व नहीं हो, यानी जिसमें वाई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो अब देखें, तो हम फ्री फ्रॉम जे करना चाहते हैं, और जे से हमारा ये वेक्टर फ्री तब हो सकता है जब बी का वैल्यू 0 हो, यानी हम कह सकते हैं बी का वैल्यू 0 हो, ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो और बी का वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो। यानी सही चॉइस क्या है कि बी का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। अब आप चॉइस ए देखें, ए नॉन ज़ीरो सही है, बी नॉन ज़ीरो तो ये गलत है, क्योंकि बी का वैल्यू हमें 0 रखना है तो ये गलत हो गया। ए 0 भले हो, भले ए 0 हो कोई इशू नहीं है, बी नॉन ज़ीरो तो ये गलत है, बी का वैल्यू हमें 0 रखना है। उसके बाद सी, ए नॉन ज़ीरो ठीक है, बी 0 ठीक है, सी 0 ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के साथ एक ऑप्शन मैं और भी रखूँगा, यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए, बोथ सी एंड डी। अच्छा आप देखें, तो ये चॉइस बिल्कुल सही है, यानी ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है नॉन ज़ीरो, बी का वैल्यू 0 होगा और सी का वैल्यू भले 0 हो उससे कोई इश्यू नहीं है। डी ऑप्शन देखें, ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो सही है, बी का वैल्यू 0 ये सही है और सी का वैल्यू नॉन ज़ीरो तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दो चॉइसेस हमारी हो सकती हैं, तो इसलिए ऑप्शन है ई, बोथ सी एंड डी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड नॉर्मल टू जेड एक्सिस। अब जब मैंने कहा है नॉर्मल टू जेड एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम के। तो हम वो वेक्टर देखेंगे जिसमें के ना हो। तो अब हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिसमें के नहीं है, बाकी ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यानी ये दो वेक्टर्स हैं जो z के साथ जो हैं नॉर्मल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पर अब हमें दूसरी रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे
तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो जाएगा और 100 का रूट 10 होगा। पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 4 होगा, ये 64 होगा, ये 68 होगा और इसका अंडर रूट 10 नहीं आएगा। यानी ये जो ऑप्शन बी है ये हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, हम ऑप्शन ए करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें आप, जो कि मेडिकल की यानी एमकेट में आ चुका है 2-3 मर्तबा। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी ऐसा वेक्टर फाइंड करो, सपोज कर लो ये वेक्टर एक्स है, इस वेक्टर एक्स के पास क्या होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड बी का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे भाई इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड बी का होना चाहिए, और ये पैरेलल किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, जिसके साथ पैरेलल होना चाहिए यानी उसका हम क्या उठाएंगे, यूनिट वेक्टर उठाएंगे। बात थोड़ी सी समझ लें, ये कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसके पास मैग्नीट्यूड बी का हो और वो पैरेलल ए के साथ हो। तो हमने क्या किया, बी का मैग्नीट्यूड रखा है और ए का हमें डायरेक्शन उठाना है, और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन उठाने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सपोज अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर करें, तो ये 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49, और 49 का रूट क्या आएगा, 7। यानी बी की जगह, मैग्नीट्यूड की जगह हम 7 रखेंगे, और बाकी ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमने बार बार निकाला है, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 4 + 4 + 1 9, और 9 का रूट आएगा 3, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 को 2 से करेंगे, 14/3i आएगा, 14/3j आएगा, और 7/3k आएगा, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बात आ रही है समझ में। अब ये क्वेश्चन देखें, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो वेक्टर है 2i + 6j + ak ये यूनिट वेक्टर हो जाए। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये ए यूनिट वेक्टर हो जाए तो इसका मतलब है इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी इसका यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 2/7i है, ये 6/7j है और ये +ak है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई a का वैल्यू क्या रखें ताकि ये वेक्टर जो है हमारा यूनिट वेक्टर बन जाए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं, ax² ay² az² अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि a हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और x कंपोनेंट दिया जा रहा है 2/7, y कंपोनेंट 6/7, और z कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, तो ये 1 हो गया, 4/49, 36/49, और प्लस ये ए जेड स्क्वायर हो गया। अब ये वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा ए जेड स्क्वायर। अब आपको पता है इसका एलसीएम 49 होगा, इसके नीचे 1 है, तो ये 49 -4 -36 ए जेड स्क्वायर। अब ये 40 हो जाएगा, और 40 में से 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9/49 ए जेड। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का 7, इसका मतलब है कि ये जो हमारी ए थी, जो यहाँ पे हमारी ए थी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ए स्क्वायर, तो अब हमें पता चला है कि भाई जो हमारा ए स्क्वायर है, वो हमारा जो a है वो बराबर होना चाहिए 3/7 के, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3/7 होगा। तो ये सारे MCQs जो थे वो यूनिट वेक्टर पे थे। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है,
आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें और जो MCQs मैंने डिस्कस किए हैं उनको भी देख लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।